प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लोकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको विज्ञान की परिभाषा और भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विज्ञान वो अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सिसिया या साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब टू नो। टू नो का मतलब होता है प्यारे बच्चों जानना, यानी जब भी हम किसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो वो विज्ञान की डिफिनेशन बन जाता है। जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी का क्या नाम है, जब भी आप इनके नाम को जानने का प्रयास करेंगे तो वो विज्ञान की डिफिनेशन बन जाएगा। प्यारे बच्चों कभी कभार आप जब स्कूलों में पढ़ाई करने जाते हैं जुलाई के महीने में, तो उस समय आप देखते हैं कि आपके क्लास में नए नए टीचर जब आते हैं तो वो कभी कभार तुरंत अपना नाम नहीं बताते और वो टॉपिक पे तुरंत बात करते हैं, तो आप उनके नाम को जानने का प्रयास करते हैं, यानी वो जब अपना नाम नहीं बताएंगे और वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो आप कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में उस टीचर का नाम जानने के जिज्ञासा अंतर से उत्पन्न होगी। तो जब भी आप कोई चीज जानने का प्रयास करिए किसी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, तो वो एक विज्ञान की डिफिनेशन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों जो विज्ञान एक हिंदी और संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं तथा अरबिक भाषा में इल्म कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिसिया या साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब टू नो अर्थात जानना होता है। यानी जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सिलेबस के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो वो विज्ञान की डिफिनेशन बन जाती है। प्यारे बच्चों अगर हम लोग विज्ञान का संधि विच्छेद करें तो वी धन ज्ञान होता है और वी का मतलब विशेष या विशिष्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति विशेष प्रकार का आदमी है तो आप उस व्यक्ति के आगे विशेष लगा देते हैं। जैसे आप कोई फंक्शन कर रहे हैं और उस फंक्शन में करीब 500 लोगों का निमंत्रण है और उसी फंक्शन में प्रधानमंत्री मोदी भी है 500 में, तो जब आपके घर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो एक विशेष आदमी होंगे, और जब विशेष बन जाएंगे और जो 499 लोग हैं वो विशेष नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जो जिस व्यक्ति के नाम के आगे वी शब्द लग जाए इस स्थिति में तो वो विशेष या विशिष्ट बन जाता है, यानी वो सबसे यूनिक हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है।
तो वी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहां पर एक शब्द आपने देखा, जानना शब्द जुड़ा हुआ है, यानी विज्ञान वहीं से चालू हो जाता है जहां से हम किसी वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कह रहा है, इसकी जो पहली डिफिनीशन है, मैंने इसमें चार डिफिनीशन लिखा है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है किसी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर आप ये इंक या ये मार्कर है, जब भी इसके बारे में सुचारू रूप से आप जानने का प्रयास करेंगे, यानी इन इस मार्कर में ये तीनों गुण सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध लगातार इसके गुणों के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे, आगे शब्द आप देख रहे जानना शब्द लगा है। तो जब भी किसी वस्तु में जानने वाला शब्द लग जाए, टू नो शब्द लग जाए, तो वो विज्ञान की डिफिनेशन बन जाती है। अब अगली डिफिनेशन है प्यारे बच्चों, विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान, ये मैंने यहां पे बता दिया है। ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है, जैसे चंद्रयान टू जब यहां से गया, यानी 384,400 किलोमीटर दूरी तय करना था चंद्रयान टू को, लेकिन वो 150 मीटर पहले ही क्रैश हो गया। तो जब क्रैश हुआ तो वो एक यूनिवर्स में घटित होने वाली घटनाएं हैं, और जैसे ही क्रैश हुआ आप लोगों ने उसके बारे में जानने का प्रयास किया है, यानी ये जो घटना है ये कहां पर घटी हुई है, ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित, यानी वो जो चंद्रयान टू है वो जब क्रैश हुआ, तो आप लोग ये जरूर सोचे होंगे कि ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, क्या कमियां थी जो ये चंद्रयान टू क्रैश हो गया और 150 मीटर पहले ही ये अपने लाइन से टू एंड फ्रो हो गया, इधर उधर हो गया। तो जब भी आप इस ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करेंगे, जैसे इसमें कोरोना वायरस चल रहा है इस ब्रह्मांड में, एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक महामारी का रूप ले लिया है, तो इस चीज को आप हमेशा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहां से आया, किस लैब से निकला, किस जानवर से ये उत्पन्न हुआ। ये हमेशा आप कोरोना वायरस के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी आप जानने का प्रयास करेंगे ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब अगली डिफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुव्यवस्थित या सुसंगठित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। यहां पर मानव द्वारा प्रेक्षण, अब देखिए प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का एक प्रेक्षण चल रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जैसे जर्मनी वगैरह, एक स्टेप एक लेयर काम कर चुके हैं, उनको विश्वास है कि कुछ दिनों में वो इसकी वैक्सीन बहुत जल्दी ही बना लेंगे। तो जब कोई मानव किसी भी चीज का रिसर्च करके, परीक्षण करके, उस सुव्यवस्थित ढंग से एक नई चीज निकाल ले, उसका काट निकाल ले, तो वो जो है एक विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। यानी अगर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए, इसको निस्त नाबूद करने के लिए
जिस दिन मेडिसिन वैक्सीन बन जाएगी उस दिन ये एक नई खोज हो जाएगी इसके बारे में। तो आप कैसे खोज हुआ, किस लेयर पे काम हुआ, ये आप जरूर जानने का प्रयास करेंगे। तो यही जो घटनाएं हैं वो विज्ञान कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, जो विज्ञान की डिफिनेशन होती है वह एक ऐसा शब्द है कि जब भी आप इसे आप जानने का प्रयास करेंगे तो वो विज्ञान की डिफिनेशन का एक उदाहरण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसे रटना नहीं है, आप समझकर हमेशा। प्यारे बच्चों अब हम लोग भौतिक विज्ञान क्या होता है, फिजिकल साइंस, इसकी डिफिनेशन और इसके बेस को हम लोग जानेंगे। तो जो भौतिक विज्ञान है प्यारे बच्चों वह एक ऐसी चीज की जानकारी देता है जो अजीवित होता है, यानी भौतिक विज्ञान में अजीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें, यहां देखिए भौतिक विज्ञान एक हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में फिजिकल साइंस या फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजिया या फ्यूसिस शब्द से हुई है और ये किस भाषा के, ग्रीक भाषा के। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिया या फ्यूसिस शब्द से हुई है जिसका मतलब प्रकृति होता है, नेचर, यानी प्रकृति द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो सभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान उन्हीं चीजों को बताता है जिसमें जीव नहीं होता, यानी मुर्दों की जानकारी को दर्शाता है। हालांकि ये इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब प्रकृति की हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान उन्हीं चीजों का ज्ञाता होगा जो अजीवित होगा। भौतिक विज्ञान में अजीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए अति लाभकारी होता है। जैसे ये मार्कर प्यारे बच्चों अजीवित है, लेकिन ये हम लोगों के लिए यानी जीवित प्राणियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है, यानी भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं वो न्यूटन है। और वर्ष 2005 में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की स्मृति में इन्हें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। सन 2005 में यानी न्यूटन को अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया और किसके स्मृति में, आइंस्टीन के स्मृति में, आइंस्टीन के स्मृति में, यानी कुछ योगदान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का भी था, इसलिए इनके स्मृति में जो है न्यूटन को अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया मरने के बाद, यानी इनके परिवार को दिया गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां पर जो भौतिक विज्ञान है वो एक लास्ट में निचोड़ निकल के आया कि प्रकृति। तो यहां पे इसकी जो डिफिनेशन बनेगी वो बनेगी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी ऊर्जा और उनसे जितने भी स्रोत मिलेंगे वो सभी भौतिक विज्ञान कहलाएंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों अगला हम बात करते हैं प्रेक्षण क्या होता है।
प्रेक्षण, स्वतः द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु को प्रेक्षण कहते हैं। स्वतः द्वारा यानी अगर कोई आदमी किसी वस्तु की खोज करता है, एक आदमी एक वस्तु की खोज करता है, तो वो जो आदमी है वह एक प्रेक्षक है और वो जिस चीज की खोज किया है वह एक प्रेक्षण है। फिर समझिए, जो आदमी अलग अलग वस्तु की खोज करेगा वह एक प्रेक्षण वाली घटना हो गई, और जो जो आदमी खोजा उस आदमी का नाम है प्रेक्षक, और जिस चीज को खोजा वह हो एक प्रेक्षण है। तो यहाँ पे लिखा है स्वतः द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु को प्रेक्षण कहते हैं। अब प्रेक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण और एक वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण। तो व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है, जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे हम व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक समान 100 आदमी है और सभी 100 आदमी इस मार्कर की खोज किए, तो वो सभी प्रेक्षण सभी आदमियों के लिए एक समान है। यानी अगर किसी, अभी देखिए दुनिया में इस समय कोरोना वायरस वाला माहौल चल रहा है, तो सभी डॉक्टर्स अपने लैब में, सभी वैज्ञानिक अपने लैब में उस कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। यानी यह व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण का एक उदाहरण है। यानी जो प्रेक्षण है वो एक ही है और जो प्रेक्षक है वो ढेर सारे हैं, ढेर सारे। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि केवल कोरोना वायरस की खोज के लिए वैक्सीन, कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। यानी डॉक्टर ढेर सारे और प्रेक्षण केवल एक ही है। तो जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान है, यानी विभिन्न डॉक्टरों के लिए कोरोना वायरस की दवा एक ही है, तो यहाँ पे ये व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण का एक उदाहरण है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण बताएंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है। जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है उसे हम वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। यानी 100 आदमी है और 100 आदमी को, उस आदमी का एक दूसरा नाम मैंने बताया प्रेक्षक, और सभी प्रेक्षकों को 100 प्रकार, यानी 100 आदमी है तो 100 आदमियों को हम 100 टाइप के प्रयोग दे दिया जाए करने के लिए, और एक दूसरे से किसी का प्रयोग मिलता जुलता ना हो, तो ऐसे जो प्रेक्षण होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण का एक एग्जाम्पल होगा। यानी जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग आदमी अलग अलग वस्तुओं की खोज करेंगे, तो वो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण का एक उदाहरण होगा। नोट फर्स्ट में देखिए प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों का विज्ञान है। यानी जो भौतिक विज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ में आता है। यानी वस्तुनिष्ठ मैंने क्या कहा, अलग अलग वस्तुओं की खोज अलग अलग आदमी जब करते हैं तो वो भौतिक विज्ञान का एक एग्जाम्पल बन जाता है। नोट, वास्तव में भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी अजीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि जो विज्ञान है वो मुर्दों की ज्ञान देता है। यानी जो भौतिक विज्ञान है प्यारे बच्चों, वो भौतिक विज्ञान में मुर्दों का अध्ययन किया जाता है जो जिंदों के लिए लाभदायक होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भौतिक विज्ञान मूल तथा उत्तेजक विज्ञान है और सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार है। बच्चों, जो भौतिक विज्ञान है वो फंडामेंटल भी है, एक्साइटेड भी है, और सभी जो पार्ट है साइंस के उन सभी का एक बेस होता है। यानी भौतिक विज्ञान मूल भी है, फंडामेंटल भी है, भौतिक विज्ञान उत्तेजक भी है, एक्साइटेड भी है, और सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार है, सभी साइंस के पार्ट का एक बेस होता है। तो यहाँ पे हमारा जो भौतिक विज्ञान का टॉपिक होता है वो यहाँ पे इंड होता है। और प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, और कहीं पे कमी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए
कि यहां पे हम इस चीज की जरूरत है। थैंक यू।